खुद को फिट रखने के लिए ट्रेडमिल बहुत अच्छी मशीन है। इसीलिए लोग जिम में पैसे देकर इसे इस्तेमाल करने जाते हैं या फिर खरीद कर घर में रखते हैं और ज़रूरत के अनुसार इस पर चलते हैं या दौड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेडमिल, जिसे आज इतनी लोकप्रियता हासिल है, असल में कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई थी और इसे जेलों में लगाया जाता था। तो चलिए ट्रेडमिल की पूरी कहानी जानते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। जब कोई जुर्म करता है तो उसे सजा दी जाती है और ज्यादातर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जेल में बंद कैदियों से अलग अलग काम करवाए जाते हैं ताकि वो जुर्म का रास्ता छोड़कर कुछ अच्छा काम कर सकें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही सन 1818 में इंग्लैंड के रहने वाले विलियम क्यूबिट ने एक मशीन ईजाद की, जो बाद में ट्रेडमिल के नाम से मशहूर हुई। उस वक्त की ट्रेडमिल आज की ट्रेडमिल से बहुत अलग थी, क्योंकि तब ये एक बड़े पहिए के रूप में होती थी, जिस पर 20-25 कैदियों को एक साथ चढ़ाया जाता था और इसके घूमने से जो ऊर्जा पैदा होती थी उसे अनाज पीसने के लिए या फिर जमीन से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए इसका नाम ट्रेडमिल मशहूर हुआ। उस वक्त इस मशीन को बनाने के पीछे मकसद ये था कि कैदियों से कमर तोड़ मेहनत करवाई जाए ताकि वो गलत कामों के बारे में ना सोचें और मेहनत से काम करना सीखें। तब जेल में बंद कैदियों को 8 से 10 घंटे लगातार ट्रेडमिल पर चलाया जाता था, जिसमें वो रुक नहीं सकते थे क्योंकि रुकने पर उनके गिरने का खतरा बना रहता था। ट्रेडमिल की सजा उस वक्त इतनी खतरनाक थी कि कैदियों के मन में इसका डर बैठने लगा था, और इसी चीज़ को देखकर अमेरिका ने भी अपनी कई जेलों में इसे लगाया और कैदियों से कमर तोड़ मेहनत करवाई। ये वो समय था जब जेल में बंद कैदियों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे और उनके साथ पशुओं के जैसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में मानव अधिकारों की बात उठने लगी और कैदियों से करवाई जाती इस सख्त मेहनत को अमानवीय कहा जाने लगा, जिस कारण जेल्स में लगी ट्रेडमिल्स को बंद कर दिया गया और सजा वाली ट्रेडमिल का किस्सा खत्म हो गया। लेकिन इसके कुछ दहाके बाद ट्रेडमिल एक नए रूप में सामने आई, जो सजा की बजाय कसरत में काम आती थी, क्योंकि तब खोज में ये पता चला था कि जो व्यक्ति पैदल चलता है या फिर दौड़ता है उसे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए जिस मशीन पर चलना कभी लोगों के लिए सजा था, उस पर लोग अपनी खुशी से चलने और दौड़ने लगे। इस मशीन का रूप और काम तो चाहे बदल गया, लेकिन नाम वहीं रह गया। वैसे अगर देखा जाए तो आज भी बहुत कम लोग ही होंगे जो खुशी से ट्रेडमिल पर चलते हैं, वरना ज़्यादातर तो मोटापे या फिर डॉक्टरों के कहने पर मजबूरी में ही इसका इस्तेमाल करते हैं, और उनके लिए ये आज भी किसी टॉर्चर से कम नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।